तू दिल्ली के रानी हम बासी के राजा, अमीले के बात पडरो ना में आजा। तू दिल्ली के रानी हम बासी के राजा, मिले के बात पडरो ना में आजा। केवल ढोड़ी पे गाने पे नहीं वायरल हुआ जा सकता है, अच्छे भी गाने गाकर भी वायरल हुआ जा सकता है। बहुत ही कम समय में रील अच्छा बन रहा है, और क्या वजह रहा कि इस गाने पे रील बनाया जा रहा है। तू हो जाइबू खुश ये सुन करे जा, तू हो जाइबू खुश ये सुन करे जा, बाड़ू मुरझाइल तो हो जाइबू ताजा। कुछ पड़रौना के नाम पे गाना आया था ढोड़ी में दाल गली, उस पे भी अच्छा खासा लोगों ने रील बनाया और रिस्पांस दिखाया। सर प्रणाम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस आप तक न्यूज, हम हैं सिंगर वाले रिपोर्टर सिब्रु सनम। आज पहुंचे हुए हैं महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, उसी पुराने जगह पे, क्योंकि आप लोग को आज विशेष मकसद के लिए, आप लोगों को मिलवाने के लिए मैं पहुंचा हूं उपेंद्र प्रेमी जी से। इनका गाना ट्रेंड कर रहा है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, ये भी खास वजह है जानना आप लोगों को कि कौन सा गाना है जो जिसपे गाना ज्यादा से ज्यादा बन रहा है रील। आप लोग भी देख पा रहे होंगे पड़रौना का नाम और बासी का नाम रखकर इन्होंने एक गाना बनाया है, जिस गाने पे ज्यादा से ज्यादा इस रील बना बेहतरीन तरीके से इन्होंने सजाया है। उस गाने को भी पहले गुनगुना कर इनसे सुनना चाहेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जितने भी आप तक न्यूज देख रहे हैं सबको दिल से प्रणाम है। और पूछिए, तो आपका गाना बहुत ही कम समय में रील अच्छा बन रहा है, और क्या वजह रहा कि इस गाने पे रील बनाया जा रहा है? जी अभी तो फिलहाल में वो तो सब कोई उसी अपने जिले के नाम धके गा रहे थे सब, तो हम लोग भी सोचे कि कुछ हम लोग भी गाए, देखे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कई लोग तो पड़रौना पे दाल गला रहे हैं, कहे नहीं आप भी ऐसा कुछ नहीं, हम लोग ऐसे नहीं सोचे, दाल गलवाएं ढोड़ी में भात बनवाएं, दाल हम लोग नहीं सोचे बनवाने के लिए, हम लोग सोचे कुछ अलग किया जाए, कुछ अलग सोचे हम लोग। रिस्पांस मिल रहा है ना अलग का? हाँ, बहुत बहुत अच्छा मिल रहा है। देखिए आप लोग ये भी जान रहे होंगे कि केवल ढोड़ी पे गाने पे नहीं वायरल हुआ जा सकता है, अच्छे भी गाने गाकर भी वायरल हुआ जा सकता है। और ये प्रेमी जी हैं उपेंद्र प्रेमी जी, ये बताएंगे कि कैसे अच्छे गाने को गाकर भी आगे बढ़ा जा सकता है। उस गाने का लाइन क्या है थोड़ा सा दर्शक भी सुनना चाहेंगे। गाने का लाइन है कि तू दिल्ली के रानी हम बासी के राजा, अमीले के बात पडरो ना में आजा। तू दिल्ली के रानी हम बासी के राजा, मिले के बात पडरो ना में आजा। तू हो जाइबू खुश ये सुन करे जा, तू हो जाइबू खुश ये सुन करे जा, बाड़ू मुरझाइल तो हो जाइबू ताजा। तू दिल्ली के रानी हम बासी के राजा, मिले के बात पडरो ना से आजा। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं सॉन्ग को, अभी तो इंस्टाग्राम पे कितना रील, 1000+ रील बन चुका है। फेसबुक पे वही मिनिमम उतना ही बना हुआ है शायद, उसमें अच्छा खासा व्यूज भी आ रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल अच्छा है। यूट्यूब पे क्या रिस्पांस है उसका? यूट्यूब पे तो अभी फिलहाल में 1000+ व्यूज है, धीरे धीरे मतलब उस पर गेन भी हो रहा है यूट्यूब पे व्यूज, बट इंस्टाग्राम पे अभी तो आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो ट्रेंडिंग में भी ला सकते हैं। देखिए आप लोग, हाल ही फिलहाल में कुछ पड़रौना के नाम पे गाना आया था ढोड़ी में दाल गली, उस पे भी अच्छा खासा लोगों ने रील बनाया और रिस्पांस दिखाया। इसी तरह से पड़रौना के जो रील बनाने वाले स्टार लोग हैं, जो इस रील बनाने वाली महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, पड़रौना से बिलोंग करती हैं, जो कुशीनगर से बिलोंग करती हैं, वो अच्छा खासा रिस्पांस दे रही हैं, इस पे रील बना रही हैं और अच्छा खासा वीडियो बनाकर नाम कर रही हैं और व्यू कमा रही हैं। अच्छा खासा व्यू जा रहा है उन लोगों, बिल्कुल व्यू जा रहा है। इस गाने को प्रमोट करने में हमारे भाभी जी का बहुत सपोर्ट है। क्या नाम है उनका, आईडी क्या है? पिंकी यादव करके आईडी है इंस्टाग्राम पे, वो बहुत सपोर्ट करती है वीडियो को लेके। अभी तो फिलहाल में वो 10-12 वीडियो तो खुद बनाई है, अदरवाइज बड़े बड़े आईडी से वीडियो बनवाई है। देख पा रहे होंगे उस वीडियो को बनवाने में सबसे पहले पिंकी जी का हाथ रहा, जिससे गाना को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने में सहयोग मिल रहा है। और उसके कुशीनगर के अच्छे अच्छे रील बनाने वाले लड़कियां हैं, वो भी इस गाने को बना चुकी हैं रील, अच्छा खासा मेहनत करके उसपे व्यू ला चुकी हैं। तो इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि अच्छे गाने को भी प्रमोट किया जा सकता है, अच्छे गाने पे भी रील बनाया जा सकता है, इन्होंने आज साबित कर दिया है। इसीलिए मैं पहुंचा हूं दुधाई के पास, इनके पास, क्योंकि ये बताना बहुत ही जरूरी हो गया था आप लोगों के बीच में कि अच्छे गाने को भी प्रमोट करके रील बनाकर वायरल हुआ जा सकता है। तो आप तो अच्छे गाने को भी बार बार प्रमोट करेंगे जब इस तरह से बिल्कुल, जब इतना सपोर्ट मिल रहा है अच्छे गाने को, तो अच्छा गाना ही लाने के लिए कोशिश करेंगे हम। अगला क्या टारगेट होगा आपका? इससे ब्लास्टेशन क्या गाना होगा? कुछ गाना और गाना तो सुना के नहीं बता सकते हैं, क्योंकि चोरी होने की भी बात है। तो अभी तो बहुत है सॉन्ग, ब्लास्ट ब्लास्ट लिख के रखा गया है, म्यूजिक भी हो गया है, अब रिकॉर्डिंग होगा, वो शायद होली के बाद छूटेगा गाना। वो अभी कुछ इसके बीच में गाना होगा। हाँ होली का बीच अभी तो गाना हुआ है कई ठो,
अभी रिलीज नहीं हुआ है, नहीं हुआ अभी, नहीं रिलीज नहीं हुआ है, बट पहले हुआ था तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो अभी फिलहाल में हुआ है तो शायद कल परसों रिलीज होगा, तो आप लोग सुन लीजिएगा जाके चाहत फिल्म्स प्रेजेंट पे, उस पे मिल जाएगा। एक बात और, इनके गाने को आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा रील बनाकर ट्रेंड में लाइए, क्योंकि इनके गाना चोरी होना शुरू हो चुका है। आप जान पा रहे होंगे कि आपके गाने पे इसी तरह से भाव, इसी तरह से मुखड़ा, इसी तरह का अंतरा सब लोगों ने गाना शुरू कर दिया। बिल्कुल सब, अभी तो इंस्टाग्राम पे फिलहाल में हम सुने थे, मतलब 3-4 आईडी से सुने थे अलग अलग, मतलब बांसी के राजा हटा के वहां पे कुशीनगर, ऐसे अलग अलग जिले का नाम था उसपे, बाकी सब सेम था। अभी हमारे भी स्टूडियो पे आए थे सिंगर, तो बोल रहे थे लोग कि हमको भी सेम गाना है, तो बोले भाई आप लोग का मर्जी है गा लीजिए, कोई आपको एतराज तो नहीं है? हमारा कोई एतराज नहीं है, आप गा सकते हैं पूरा सेम गा लीजिए, हमको कोई एतराज नहीं है। इस गाने को लिखने वाले कौन है? इस गाने को लिखने वाले बहुत अच्छे हमारे दोस्त है राइटर रंजन उजाला जी, उन्होंने गाना ये लिखा है, बहुत अच्छा गाना लिखा है। राइटर रंजन उजाला जी इस गाने को लिखने वाले हैं, जो ताकि वो भी बांसी के रहने वाले हैं, इसीलिए बांसी के राजा के नाम से इन्होंने अच्छा गाना लिखा है, जिस गाने को इन्होंने गाया और बेहतरीन से भी रिस्पांस पा रहे हैं, और इस गाने पे सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग रील बना रहे हैं, क्योंकि ये गाना अच्छा है, सुनने लायक है, सभी लोगों के बीच में बैठ कर सुन सकते हैं, क्योंकि आप लोग वो भी सर्च कर सकते हैं। क्या गाना को सर्च करने पे आएगा? बांसी के राजा लिखेंगे ना उपेंद्र प्रेमी, बस बांसी के राजा लिखेंगे तो एक नंबर पे आ जाएगा यूट्यूब पे, बांसी के राजा सर्च करिए और ज्यादा से ज्यादा उस पे रील बनाइए। इंस्टाग्राम पे भी ऐसे ही सेम आएगा बांसी का राजा, वो भी इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे तो फर्स्ट पे आएगा। इनका गाना इनकी आवाज में बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग सुनकर देखिए और बताइए और लोगों के गाने की अपेक्षा इनका गाना कैसा है, हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा इनका गाना कैसा रहा और कैसा लग रहा है, जरूर कमेंट करके बताइएगा और लोगों के गाने की अपेक्षा। इसी के साथ जाते जाते नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शेयर कर दीजिएगा 2-2 बार लगातार, धन्यवाद।